साहस सरोकार। मुजफ्फरपुर में छठ महापर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, संक्रमण के खतरे को देखते हुए किए गए पुख्ता इंतजाम। बेतिया में भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा निकाली गई, कायस्थ समाज के लोगों ने लिया भाग। बक्सर में धूमधाम से हुई गोवर्धन पूजा, बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की मांगी दुआ। मुजफ्फरपुर में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर, डीएम ने घाटों का किया निरीक्षण। रोहतास में डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी, पुरानी रंजिश में की गई दोहरी हत्या। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर रोहतास जिले से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दोहरी हत्या की गई है, जिसमें कंचनपुर के रहने वाले झलेरा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि पूर्व सरपंच अनिल यादव की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मृतकों के शव को अस्पताल में रखा गया है। डीहरी तथा सासाराम इलाके की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी तुरंत ही घर से निकलबे कल ही सिकरी है बन करके तो हमने के ऊपर रह जाए तो फिर उन्होंने पूरे भगो नहीं का तो मैदान करे और नहीं ले हिंच के घर से को तो गोई लजो हम तो देखबो ना कोई नहीं है नहीं ले हिंचते ले गुल पड़त वहां। दोनों के बीच में कहासुनी हुई और उसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पे गोली चला दिया गया और दूसरे व्यक्ति के पक्ष के द्वारा और उनके अन्य जो लोग थे उनके द्वारा उसकी भी हत्या कर दी गई। तो दोनों व्यक्तियों की आपसी विवाद में इस घटना या घटना कारित हुई है और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली पुलिस तुरंत यहां पर पहुंच करके अग्रतर कार्रवाई करा रही है और ये आपस का विवाद का मामला है, लेकिन इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। नालंदा जिला अधिकारी शशांक सुभनकर ने बिहार शरीफ के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले आशानगर सूर्य मंदिर छठ घाट का निरीक्षण किया, जहां जलस्तर में कुछ वृद्धि हुई है। उसके अनुरूप जलस्तर के बैरिकेटिंग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 29 अक्टूबर तक कंट्रोल रूम, चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, इसके साथ ही चेंजिंग रूम बनाया जाएगा, टॉयलेट बनाया जाएगा और प्रशासन की तरफ से मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति होगी और कंट्रोल रूम सब जगह बनाया जाएगा और लाइटिंग की व्यवस्था भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी सब जगह नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। NDRF के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया सर? NDRF की 4 नावें हमें मिली हैं तो उसको जितने भी सेंसिटिव हमारे खतरे वाले घाट है, कोसुक हो गया, अंगारी धाम हो गया, बड़गांव हो गया, सब जगह उसको हम लोग प्लेस करेंगे, नाव के साथ NDRF की टीम रहेगी। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां सुबह रामनगर नरकटियागंज मुख्य सड़क पर एक मारुति पेड़ से टकरा गई और उसमें सवार 3 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने तीनों घायल को रामनगर PHC पहुंचाया, जहां 2 को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए बेतिया भेज दिया गया। 2 आदमी जिसमें रोशन कुमार और विकास शर्मा नाम थे, रास्ते में उनको एक्सीडेंट हुआ था, जस्ट 20 पोजिशन पहले वो लोग आए थे, उनको प्राथमिक उपचार करके और दोनों आदमी को बेतिया रेफर कर दिया गया है। एक आदमी का सर में ज़्यादा इंजुरी था और पैर भी टूट गया था और एक आदमी छाती में चोट था, बदन खुला था, बहुत ज़्यादा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा के पहले चित्रांग समाज के लोगों ने नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों के कायस्थ समाज के लोगों ने भाग लिया। नगर के पोखरा मंदिर परिसर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बग नगर को भ्रमण करते हुए सिद्धि विनायक मंदिर में सम्पन्न की गई। ब्लॉक रोड स्थित चित्रगुप्त मंदिर में पूजा है, तो पूजा के उपलक्ष्य में आज नगर में शोभा यात्रा निकाली गई है। तो शहर के विभिन्न मार्गों में
भ्रमण करते हुए मंदिर पहुँच कर शोभा यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारे जो आराध्य देव हैं जी महाराज, उनके प्रति जो समाज है वो जागरूक हो। पूरे नगरवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए नगर भाजपा पूरे टीम इसके साथ जुलूस में परिक्रमा करते हुए और पूरे नगर को धन्यवाद देते हैं कि कल पूजा का शाम को होगा, उसमें सारे नगरवासी उपस्थित होकर पूजा को सफल बनावे, यही मेरी शुभकामनाएं। पूजा रखा गया है, सूर्य ग्रहण के वजह से एक दिन लेट हो गया है, इसलिए हम लोग सब कोई मिलकर आज चित्रांश परिवार के साथ ये भव्य शोभा यात्रा हम लोग भव्य जुलूस निकाले हैं जो पोखरा चौक से होते हुए और पूरा शहर को से भ्रमण करते हुए और ब्लॉक रोड में इसी चित्रकूट भगवान के मंदिर तक जाएगी। खबर भागलपुर जिले के अमदंडा थाना के छटपटिया गांव से है, जहां 13 वर्षीय बालक 7 जुलाई 2022 से लापता है। बता दें, बालक पढ़ने के लिए अस्पताल गया था, जहां से वह अब तक लौट कर नहीं आया। वहीं परिजन दर दर भटक रहे हैं, हर थाने में जाकर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पाई है। बम बम कुमार कब खोया है? 17 महीने में 19 तारीख को। तो अभी तक कोई पता नहीं चला? नहीं। आपने FIR वगैरह कहीं कराया? हाँ, तो दिए थे हम भागलपुर ये सब में दिए थे। कहाँ कहाँ दिए थे? जैसे हम ये भागलपुर हो गया, वहाँ दिए थे, और यहाँ कालगांव दिए थे, वहाँ दिए थे, बड़रबा दिए थे, वह सब जगह पे दिए थे हम। तो अभी तक कहीं से कॉल नहीं आया? नहीं। वही थाना आपका हेल्प नहीं कर रहा है? नहीं, अमदना थाना वाला उसका वो बोल रहा था कि हम पता कर दिए, वकील को किए थे हम। अच्छा, इतना सा वो सब किया है मेरे साथ। नमस्कार, मैं अमित कुमार प्राइम टीवी भागलपुर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के मिल्की गांव में, और यहाँ पर एक घटना सामने आई है जो बिल्कुल ही हृदय विदारक है। ये एक बच्चे के पिताजी हैं जिनके हाथ में ये एक बच्चे का तस्वीर है और इनका कुछ डाटा है। ये इनके पिताजी पिछले 3 मंथ से दर दर भटक रहे हैं इस आस में कि इनका बेटा मिल जाएगा। बिहार का प्रशासनिक सिस्टम कैसा है आप सभी को पता है, सरकारें बदल जाती है, समय के साथ कैलेंडर बदल जाता है और दिन के साथ साथ तारीखें बदल जाती है, परंतु बिहार में बदलाव के नाम पर कुछ भी संभव नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज इनके ये पिता अंदर से रो रहे हैं और अपने एक 13 वर्षीय पुत्र बमबम को भटक भटक कर खोज रहे हैं। इन्हें जहां से भी सूचना मिलती है कि इन बच्चों को कहीं देखा गया है तो ये दौड़ कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, परंतु हर बार इसे निराशा ही निराशा मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कहना ही क्या है, क्या बिना किसी आवेदन का वो सड़क पर आपको ट्रैफिक नियमों का पालन कराते नजर आ जाएंगे, परंतु ये एक पिता हैं जो लगातार आवेदन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के थाने में, इनके नज़दीकी अमनंडा थाने में, भागलपुर RPF और भी कई सारे लोगों को आवेदन दे चुके हैं, परंतु अब तक ना ही एक भी दिन इन बच्चों के लिए कहीं पर तलाशी अभियान चलाया गया, ना ही पुलिस को के द्वारा इसे कोई सूचना दी गई और ना ही इस संदर्भ में आज तक पुलिस के द्वारा इससे कोई जानकारी ली गई। आखिर प्रशासन किस दिन का इंतजार कर रहा है? वो दिन जब पता चलेगा वो बालक अब यहाँ नहीं है या फिर और किसी बात की? बक्सर जिले में धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई गई। गोवर्धन पूजा को लेकर सुबह से लोगों ने अपने घरों में गायों को फूल माला आदि से सजाकर उनकी पूजा की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बताते चलें कि इस पूजा में बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए बद्दुआ देती हैं। उनका मानना है कि भाई को बद्दुआ देंगे तो उनकी उम्र लंबी हो जाएगी। क्या इसका प्रक्रिया क्या है, आप लोगों का क्या करनी है? इसका प्रक्रिया ये है कि हम लोग भाइयों की लंबी उम्र के लिए, लंबी दुआ के लिए, लंबी आयु के लिए निद्रा व्रत कर रखते हैं। आज हमारे भाई लोग हमारे खीर से हमारा उपवास तोड़ते हैं। अच्छा, इसमें प्रथा है भाइयों को सरापा जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी उम्र लंबी हो।
नालंदा में साइकिल सवार बुजुर्ग को अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। वहीं स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को आनंद फानन में निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं मौके से मोटरसाइकिल सवार को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौत की पुष्टि के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कहेंगे पैसा दो, बाजार से सब्जी लेके जा रहे थे घर अपना साइकिल से। कहाँ? अपना गांव जा रहे थे बाजार। तो बीच रास्ते में पान होने लगे मोड़ से, तो धक्का मार दे बलून वाले गाड़ी वाले। कौन मोटरसाइकिल? पकड़ाया है। पूरे नालंदा जिले में बहनों ने भाई को तिलक और अक्षत लगाकर भैया दूज पर्व मनाया। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना की। बहनें भाइयों से मिलने के लिए सुबह ही घरों से निकल गई, ताकि शुभ मुहूर्त से भैया दूज की पूजा की जा सके। बहनों ने बताया कि सूर्य ढलने से पहले भाइयों का तिलक करना होता है। बहनों को प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए भाई भी पीछे नहीं रहे और उपहार स्वरूप बहनों को तोहफे दिए। बनाते हैं दोगो और सांप बनता है, ये सांप बिच्छू सब चीज़ बनता है और उसको पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उसी पे ईटा रख के उसको कूटते हैं। कूटने के बाद उस पे चढ़ के पार होते हैं और बोलते हैं कि भैया के दुश्मन के छाती पर लाती धर के पार होते हैं। नालंदा जिले के विभिन्न छठ घाटों पर तैयारियां जोरों पर हैं। जगह जगह घाटों पर महिला पुलिसकर्मी के साथ छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने 112 जगहों पर दंड अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। वहीं जिला नियंत्रण कक्ष मोरा तालाब में अस्थायी थाना तो औगारी व बड़गांव में जिला प्रशासन द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस पदाधिकारियों ने जगह जगह प्रतिनियुक्ति की है। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने टीम के साथ शहरी क्षेत्र के साथ सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया, जिसमें शहर का अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, लकड़ी डही घाटों का जिला प्रशासन ने मोटर वोट के सहारे निरीक्षण किया। साथ ही कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। घाटों का निरीक्षण किया है जो बूढ़ी गंडक के किनारे शहर में है। इसमें सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, बालू घाट, लकड़ी ढाई सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसको और तेज बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि कम से कम दो शिफ्ट में कार्य हो। और दूसरी ओर सभी घाटों पर JCB लगाने का निर्देश दिया गया है। साफ सफाई जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लगातार चल रही है। आश्रम घाट और सीढ़ी घाट एक नए घाट के रूप में डेवलप किया गया है। इन दोनों घाट को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आश्रम घाट में थोड़ा मिट्टी भराने की आवश्यकता है, जिसके लिए भी विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वहाँ पर और बेहतर स्लोप बनाया जाए। तो ये सारे कार्य निश्चित रूप से दो दिनों के अंदर पूर्ण करा लिया जाएंगे। नगर निगम की पूरी टीम युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। नालंदा जिला के वेना थाना क्षेत्र के पैठना गांव से लापता किशोर की गोली मारकर हत्या करने का परिजनों ने दोस्तों पर अंदेशा जताया है। वहीं गांव के तालाब से किशोर की लाश बरामद की गई है। मृतक के चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान हैं, जिसको लेकर गोली मारकर हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। शव मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतक दीपावली की रात से लापता हो गया था। वहीं अब शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। दीपावली का समय था, ठीक है, हम चले, हम जो खाना ना बना कर खा रहे थे, उतनी देरी में उस समय आया उसका दोस्त सब लेकर चल गया। बोला कि चलो ना देरी मन खेलेंगे, चल गया देवी थान लेकर के। देवी थान में हम सब तो सो गए और देवी थान में ना शायद वह पैसा दिया थी 200 रुपया सब के, इसको भी दिया, इसको भी पैसा नहीं था। कौन पैसा किसको दिया? मतलब कारू नाम है, सुधीर नाम उसका।
खबर नवादा से है, जहां आज मेडिटेशन अध्ययन के माध्यम से रामनगर में आंख बंद कर पुस्तक पढ़ लेना, रंग पहचान लेना, गंध पहचान लेना तथा फुटबॉल खेल लेने का कर्तव्य दिखाने वाली तेजस्वी तेजस का कारनामा नवादा के लोगों के लिए मिसाल है। नवादा जिले के अकबरपुर थाना के दीरी गांव निवासी 12 वर्षीय बच्ची जो नवादा रामनगर में योग व हवन कार्यक्रम में उपस्थित होने आई थी, वहीं बच्ची ने ऐसा कर्तव्य दिखाया कि लोग आश्चर्य रह गए। मेडिटेशन के द्वारा आँख बंद करके पढ़ सकते हैं। आँख बंद करके क्या क्या काम किया जा सकता है? कुछ भी पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, खेल सकते हैं, कुछ भी। नवादा के जिले भर में भाई बहन के स्नेह का पर्व भैया दूज परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस पर्व पर बहनों ने अपने सभी भाइयों की दीर्घायु व संपन्न जीवन की कामना की। भैया दूज पर्व को लेकर श्रद्धालु बहनों के घर में सुबह से चहल पहल देखी गई। परंपरा के अनुसार पूजा स्थल पर आसपास की बहनें व महिलाएं पूजा की थाल लेकर जुटी। साथ ही बहनों ने उपवास रखकर पूजन किया और अपने भाई की दीर्घायु होने की कामना की। भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है, सभी बहनें हर्षोल्लास से भाई दूज का पर्व मना रही है। भाई का लंबे उम्र के लिए ये पर्व मनाया जाता है और हम सब बहनें मिलकर भाई को सुबह से गाली दिए हैं और अब आशीर्वाद दे रहे हैं, इसी के लिए ये पर्व मनाया जाता है। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड क्षेत्र परिरी पंचायत में कुछ दबंगों ने पोखर को तार और पिलर से घेर कर रास्ता बंद कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के पूर्वज इसी पोखर में छठ पर्व मनाते आ रहे हैं। पहले किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, लेकिन अभी कुछ असामाजिक तत्व के व्यक्ति पोखर को घेर कर रास्ते को बंद कर दिए हैं। ग्रामीणों ने अचल अधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही ग्रामीणों ने जिला परिषद को सूचना दिया। सूचना मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष ग्रामीणों के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया। तीन चार टोला बहुत गरीब गुरबा अति पिछड़ा दलित महादलित सब रह रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों जो अपने आप को बाहुबली समझते इस एरिया का, वो आज 5-6 महीना पहले तार उर लगा के घेर दिया। जो ये चमेली टोल पर्री का ये पोखर है, इसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने ये किया है, जिसको पूरी तरह से घेर के रखा है ताकि हम लोगों की छठ की पर्व कहाँ हो सके। हम लोग यही निवेदन करते हैं आप लोगों से और यहाँ का सीओ साहब से जो भी पदाधिकारी है, ताकि यहाँ का इसको जल्द से जल्द क्लियर करवा के हम लोगों को छठ का अनुमति दिया जाए। अंचलाधिकारी और यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी से बात किए जे आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही लोग यहाँ पर छठ मनाते आए, लेकिन इसको इस प्रकार से कोई इंडिविजुअल कोई व्यक्ति घेरा है। हम उनसे भी दूरभाष पर बात किए हैं और यहाँ के भी जनप्रतिनिधि से हम संवाद स्थापित किए हैं और सभी लोगों को बोले तो अंचलाधिकारी कहा जी नहीं, हम जानते हैं यह सरकारी भूमि है, यहाँ छठ करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, तो इसी क्रम में आए हैं, जायजा लिए हैं। सहरसा में नगर प्रशासन के द्वारा जोरों शोरों से छठ घाटों पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 के मुख्य बाजार स्थित छठ घाट पर नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के सफाई कर्मियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वह भी छठ घाट पर पहुंचे हुए हैं और अपने स्तर में छठ घाट की सफाई में जुटे हुए हैं। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल खुद जायजा ले रहे हैं। जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि छठ पर्व को लेकर साफ सफाई का कार्य अंतिम चरण पर है और क्या कुछ कहा, सुनिए। नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में टोटल 28 घाटों को चिन्हित किया गया है और सभी घाटों पे जो होता है कि साफ सफाई करा दी गई है। जिन छठ घाटों पे थोड़ा बहुत रह गया है साफ सफाई, उन पे साफ सफाई का काम अंतिम चरण में चल रहा है। अधिकतर सब घाटों पे जो होता है कि चूना और ब्लीच का भी छिड़काव कर दिया गया है। जो जो घाट खतरनाक की श्रेणी में है वहाँ पे बैरिकेटिंग कराई जा रही है और सभी छठ घाटों पे जो है नगर प्रशासन की ओर से छठ व्रतियों के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है, सभी को वहाँ पे किया जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दरअसल कोरोना जांच, डेंगू जांच के साथ बच्चों के पल्स पोलियो को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग एक साथ अभियान चलाएगा। इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी तैयारी में जुट गई है।
पर्व में लाखों की संख्या में लोग बाहर से आएंगे, जिस कारण और ज्यादा संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। इसको लेकर शहरी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और छठ घाटों पर विशेष तैयारी की जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसको लेकर विशेष मोबाइल टीम की तैनाती भी रहेगी, ताकि किसी भी आपदा की परिस्थिति में तुरंत रिस्पॉन्स किया जा सके और जाँच कराई जा सके। साथ ही बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी घाटों पर दी जाएगी। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।